हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज की शुरुआत मैं कर रही हूँ यहाँ बैठ करके। हमेशा काम से ही शुरुआत होती है वीडियो की, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपसे बात करके वीडियो की शुरुआत की जाए। बहुत दिन हो गया आप लोगों से बैठ करके इत्मीनान से बात भी नहीं की। और ठंडी देखिए हमारे इधर MP में बहुत ज़्यादा हो रही है, और आप लोग के इधर कैसी ठंडी है? जहाँ जहाँ के लोग मुझे देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मेरा न्यू वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल पाए और मेरी फैमिली में आप लोग भी ज्वाइन हो पाए। तो ये देखिए बेबी बैठी हुई हैं, क्या खा रहा है बेबी? एग खा रही है। देखो ये तो आज ठंडी के मौसम में ना बच्चों की देखभाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं इनको शाम के टाइम एक एग बॉईल करके, हाफ बॉईल करके दे देती हूँ, जो बच्चों को बहुत अच्छा होता है। आप चाहें तो एग के बीच का जो है हिस्सा वो निकाल दें, क्योंकि वो बच्चों के कफ को इकट्ठा करता है। इससे अच्छा है कि आप वाइट वाइट हिस्सा जो ऊपर का उसका कबर होता है उसको दें बच्चों को खाने के लिए, जो वाइट वाला हिस्सा है उसको। वो बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और उनकी हेल्थ को भी अच्छा रखता है। तो कैसे हैं आप सब, और क्या चल रहा है आप लोगों के इधर? और सर्दी के मौसम में तो अच्छे से आप लोग खूब इंजॉय कर रहे होंगे, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बना करके और न्यू न्यू डिश बना करके खा रहे होंगे। और देखिए आज 30 तारीख है और कल से लगने वाला है न्यू ईयर। तो आप सभी को कल से नहीं, 31 भी है, हाँ इस मंथ में 31 भी है। तो देखिए एक दिन और बाकी है 2020 का, और 2020 हमारा बहुत बुरा टाइम निकला है 2020 में, क्योंकि 2020 में जितनी मुसीबतें शायद हमारी जनरेशन ने देखी हैं, उतनी मुसीबत शायद जो है अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा है। अभी तक ऐसा टाइम नहीं आया था कभी भी, और हमसे बड़े लोग भी जो हैं, हमसे बड़ी जनरेशन भी जो है, उन लोगों के पास सामने भी ऐसा टाइम नहीं आया था। लेकिन हमारी जनरेशन ने देखो क्या देखा है। और 2020 तो हमारा मतलब मैं ये कहूँगी कि बहुत घाटे का साल था, इसमें हमें फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। एक तरीके से देखा जाए तो 2020 अच्छा नहीं था। भगवान करे 2021 जो है एक अच्छी खुशियाँ और इस कोरोना को दूर कर दे। बस यही शुभकामनाओं के साथ आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, आपकी पूरी फैमिली पूरे परिवार को मेरी तरफ से न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी खुश रहें, आपका ये साल मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मैं अपनी वीडियो को बढ़ाती हूँ आगे। और चलिए आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। तो गाजर के हलवे की एक आसान रेसिपी मैं आपको बताऊंगी। जब हमारे पास खोआ ना हो, मतलब जो मावा होता है वो ना हो, तो हम किस प्रकार गाजर का हलवा जो है बना सकते हैं वही मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए गाजर को मैंने कद्दूकस कर लिया है, तो चलिए चलते हैं किचन में, इसके बाद बनाना स्टार्ट करते हैं गाजर का हलवा। और क्या चल रहा है आप लोगों के इधर, कैसे हैं आप सब, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किस किस में, लाइट में ऑन कर लेती हूँ, किस किस ने इस मौसम में जो है गाजर का हलवा जो है मतलब बना करके खा लिया है? तो ये देखिए गाजर जो है हमने कद्दूकस कर ली है, ये देखिए, और अब हम बनाएंगे इसका हलवा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए गाजर जो हमने कद्दूकस किया था, अब मैं उसको कढ़ाई रख करके उसमें डाल रही हूँ। कढ़ाई में मैंने कुछ भी नहीं डाला है, उसमें मैं डायरेक्ट जो है हमारी गाजर को जो कद्दूकस की हुई है उसको डाल रही हूँ। तो ये देखिए, और डाल करके अब हमें इसको अच्छे से चलाना है। तो ये देखिए मैंने कम से कम आधे घंटे इसको अच्छे से मंदी आँच पर भून लिया है, तो इसका पानी जो है भून गया है। इसके बाद ये 1 लीटर दूध था, इसको मैंने जो है गाढ़ा कर लिया है, मतलब दूध को अच्छे से बॉयल कर लिया है, और उसमें आधे से भी आधा मतलब 1/4 हिस्सा इसका बचा था वो मैंने मावे जैसा बना करके इसमें और इसमें डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से पकने तक पकाएंगे, जब तक कि हमें जो है इसमें जो जूस है बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए, रसा बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए, तब तक हम इसको चलाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसको कम से कम 10-15 मिनट चला लिया है, और ये कुछ इस तरीके का हो गया है। अभी हमको इसको और चलाना है, और इसी तरीके से हमें इसको चलाते रहना है ताकि ये लगे नहीं। और इसको मैं फुल फ्लेम पर ही चला रही हूँ, क्योंकि रेगुलर ही मैं इसको चला रही हूँ। और ये देखिए हलवे की एकदम खुशबू भी आने लगी है, और बहुत ही टेस्टी लग रहा है हलवा हमारा। तो ये देखिए बिल्कुल इसका पानी जो है बिल्कुल सूख गया है, और देखिए हलवे के जैसे लगने लगा ये, मतलब हलवा हमारा बन ही गया है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी और घी।
सबसे पहले हम इसमें डालेंगे, ये देखिए बिल्कुल सूख गया है, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे जो इलायची है वो। तो ये देखिए मैंने इलायची मैं ले लेती हूँ, ये मैंने 3 इलायची ली है, इलायची थोड़े बड़े साइज़ की थी इसलिए मैंने 3 ही ली है। और अब ये तीनों इलायची को मैं निकाल करके कटोरी में और फिर इसको मूसल की हेल्प से जो है बारीक पीस लूँगी और इसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे। तो ये देखिए पीस करके मैंने इसमें डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे घी और पहले मैं इसको चला देती हूँ, इसके बाद डालूँगी घी। और इसको बनाने में आपको पता ही है आधे घंटे 40 मिनट से ऊपर लग ही जाता है हलवा बनाने में, क्योंकि 2 kg का था ये। तो अब हम इसमें 2 अच्छे से चम्मच भर भर के जो है घी डाल देंगे। तो ये देखिए मैं खूब खूब सारा स्पून भर भर के घी जो है इसमें डाल दूंगी। और घी डालने से ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और हमने जो दूध डाला है ना वो भी बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट देता है इसमें। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें। और अब हम इसको 10 से 15 मिनट तक इसको भी हमें चलाना पड़ेगा, तब तक चलाना पड़ेगा जब तक कि ये सूख ना जाए, क्योंकि हलवे में गीलापन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और ये देखिए मैंने अपने स्वाद के अनुसार इसमें जो है चीनी और घी जो है डाल दिया है। अब हम इसको आराम से जो है चलाएंगे। अब ज़रूर हमको इसको मंदी आँच पर ही चलाना है, ज़्यादा आँच को बढ़ाना नहीं है, क्योंकि अब हम इसमें हमारे में पानी बचा नहीं है हलवे में, और इसलिए इसको क्योंकि लग जाएगा ये कढ़ाई में, तो इसलिए इसको मंदी आँच पर हम चलाएँगे। तो 10 से 15 मिनट में चला लेती हूँ, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए हलवा मेरा बिल्कुल सूख गया है बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब इसमें क्या डालना बचा है, अब इसमें डालना बचा है ड्राई फ्रूट्स। तो सारे जो जो आपको डालने हों, जितने आपको डालने हों अपने हिसाब से आप डाल लें। मैंने इसमें काजू बादाम पिस्ता और मैं नारियल का यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है नारियल डालना। और खारक और क्या बोलते हैं छुआरे आप लोग किधर बोलते हैं खारक को। और इसके बाद किशमिश जो है मिक्स करके इसमें डाल दिया है, खल्लर में सारी चीज़ को कूट लिया था और वही अब मैं इसमें मिक्स कर दिया। ये देखिए हमारा हलवा कितना अच्छा दिख रहा है और आ गया होगा आपके भी ना मुंह में पानी। तो आ जाइएगा, आप लोगों के लिए ही बनाया है न्यू ईयर में गाजर का हलवा। तो इसी के साथ मीठे मीठे हलवे के साथ एक बार और आपको हैप्पी न्यू ईयर। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरा न्यू वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल पाए। तो इस हलवे के साथ एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता ही है। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए गाजर का हलवा मेरा बन गया है और ये देखिए बन गया है हमारा गाजर का हलवा। और इधर मैंने अंडा करी जो है बना ली है, देखिए कैसी दिख रही है, अच्छी दिख रही होगी और बहुत अच्छी बनी है ये भी। और गाजर का हलवा भी मैंने बना लिया है, ये देखिए बहुत टाइम लगा इसको बनाने में। और गाजर के हलवे की रेसिपी जो है मैंने आपको पूरा दिखाया, गाजर का हलवा किस तरीके से बनाया और सर्व करने के लिए है तैयार बिल्कुल ठंडा हो करके। और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा बना करके, और अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो लाइक शेयर और कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इतना अच्छा गाजर का हलवा देने के लिए तो एक लाइक तो बनता ही है और एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता ही है। तो देखिए गाजर का हलवा बन गया है, बिल्कुल तैयार हो गया है और अब ठंडा होने के लिए, ठंडा हो जाए इसके बाद बच्चे बिल्कुल तैयार हैं गाजर का हलवा खाने के लिए। तो न्यू ईयर में मैंने बनाया गाजर का हलवा और एक बार और मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, आपकी फैमिलीज़ को मेरी तरफ से न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो चलिए इसी के साथ मैं आपको मतलब अपनी वीडियो का करती हूँ एंड। और आज का वीडियो अच्छा ज़रूर लगा होगा मेरा, और न्यू ईयर लिखना ना भूलें, मेरे को भी विश करें आप सब लोग। तो हैप्पी न्यू ईयर के साथ ये वीडियो का करते हैं एंड, और अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।